बहनों भाइयों देखें माशाल्लाह हमारी आज की खूब कलरफुल डिश आज मैंने बनाया है फ्रूट ट्राइफल। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, अगर नहीं पसंद आता तो थोड़ी मर्जी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आए। पसंद आएगा, पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बहनों भाइयों मैं आपको ये चख के दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना मज़े का बना। तो बहनों भाइयों आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, समीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। बहनों और भाइयों मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आपको सबको हर किस्म के वायरस से, हर किस्म की मुसीबत परेशानी तकलीफ़ से महफूज रखे, आमीन। तो बहनों और भाइयों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लिया करें और मेरे वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो बहनों भाइयों आज मैं बना रही हूँ फ्रूट ट्राइफल। तो इसके लिए सबसे पहले ये जेली है, मैंगो जेली है मेरे पास, ये मैं जेली बनाऊँगी। इसके अलावा ये दूध है मेरे पास, 2 बड़े कप दूध है, और ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, ये भी मैंगो कस्टर्ड पाउडर। 6 चम्मच चीनी है, मैं 6 चम्मच ही चीनी यूज़ करती हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 ये केक हैं छोटे, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जब मैं इसमें डालूँगी तो इनको मैं कट कर लूँगी। इसके अलावा ये मेरे पास फ्रूट हैं, अंगूर है, केला है, सेब है और आम है, इनको मैंने काट लिया है। ये फ्रूट जो है आप अपने हिसाब से ऐड करें जितना आप पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जेली बनाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पानी गर्म हो गया हमारा, जेली ऐड कर देती हूँ। तो इसके लिए 2 कप पानी लिया मैंने, तो थोड़ा कम ही पानी लिया है, फुल भर के कप पानी नहीं लिया मैंने। चूल्हा बंद कर देती हूँ। इस तरह तेज चम्मच चला के हल कर लेती हूँ मैं। जेली पाउडर हल हो गया है तकरीबन, तो ये जो मेरे पास 3 बॉल है ये जेली में, इनमें बराबर 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 ऐड कर लेती हूँ। ये मैं 3 में क्यों डाल रही हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो जेली है ये रहने देती हूँ मैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, ये इसी कलर में होगी, अब उसमें ज़्यादा होती है। तो ये जो जेली है इसमें ये मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला देती हूँ, ये देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया है, ये देखिए। इस तरह एक जाली से हम 3-4 कलर बना सकते हैं, ये देखिए उसमें येलो जाली होगी, इसमें ग्रीन, और ये मेरे पास रेड कलर है, ये रेड कलर, ये ज़्यादा है तो मैं इसमें आधा डालूँगी। ये देखिए ये जाली हमारी रेड हो गई है, ये 3 कलर में हमारी जाली तैयार है। इनको मैं अभी थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रहने देती हूँ, फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। ये
जम जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। ये देखिए इसका कलर। तो मैं इनको फिलहाल रहने देती हूँ रूम टेम्परेचर पे और आम कस्टर्ड बना लेती है। दूध चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे, चीनी डाल देती हूँ मैं। चम्मच चलाती रहूँगी थोड़ी देर बाद ताकि चीनी जो है इसमें मेल्ट हो जाए। अब मैं जो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है ये मैंने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया और इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप दूध। और इसको मैं हल्का लूंगी। इसका हल करना आसान होता है, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं बनते, बनते भी हैं तो वो खुद ही चम्मच चलाने से ठीक हो जाते हैं। ये देखिए दूध में उबाल आ जाए तो फिर इसमें डालती हूँ मैं कस्टर्ड। उबाल आ रहा है, आँच में आहिस्ता कर देती हूँ। एक बार फिर मैं इसमें चम्मच चला देती हूँ, जो नीचे बैठ जाता है जो इसका कस्टर्ड पाउडर है वो भी घुल जाए इसमें। ये देखिए हमारा बहुत प्यारा, इतना ही ठीक चाहिए मुझे। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। मैंने जो मीठा है चख लिया था, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक इतने दूध में इतनी ही चीनी यूज़ करती हूँ। अगर 2 कप दूध है तो उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और उसमें 6 चम्मच मैं चीनी यूज़ करती हूँ। ये देखिए इसको मैं बॉल शिफ्ट में शिफ्ट करती हूँ और थोड़ी देर रखती हूँ बाहर, फिर मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में, ठंडा हो जाए फिर मैं हाँ इसमें जो चीज़ें सारी वो मिक्स करते हैं। ये देखिए बॉल में शिफ्ट कर लिया मैंने कस्टर्ड। अब कस्टर्ड मैं रखती हूँ बाहर पंखे के नीचे, फिर रखती हूँ फ्रिज में, ये ठंडा हो जाए तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। वेलकम बैक वैन और भाइयों, हमारा जो कस्टर्ड है वो काफ़ी ठंडा हो गया है, फ्रिज में रख दिया था मैंने, और जेली जो है वो भी देखिए जम गई है और काफ़ी ठंडी भी हो गई है। तो पहले मैं जो कस्टर्ड है हमारा इसको एक बार हैंड बीटर से मैं इसको बीट कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह बीट हो गया है। अब मैं इसमें चीज़ें डालना शुरू करती हूँ। अंगूर डाल देती हूँ, सारे फ्रूट जो हैं मैं ऐड कर देती हूँ। ये आम ज़्यादा है मैं कुछ बचा लेती हूँ। अब केक मैंने कट कर लिया, मिक्स कर लेती हूँ। केक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें सादा केक है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट वाला है, तो मैं जो है वो चॉकलेट वाला यूज़ कर रही हूँ। तो मैं जेली जो है उसको पहले कट कर लूँ। जेली को मैंने कट लगा लिए हैं, ये देखिए बीच में ये चाकू से, तो मैं चम्मच की मदद से निकाल लेती हूँ। ओह वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत हमारी जेली बन तैयार हुई है। ये देखिए ग्रीन वाली, तो देखा आपने, यानी कम खर्च बारह छीन। एक जेली लेके आए आप हल्के कलर की ले लें जेली, तो उसमें मुख्तलिफ 2-3 कलर इस्तेमाल कर लें, जेली मुख्तलिफ कलर की हो जाती है। मिक्स कर देती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
बहुत ही जबरदस्त हमारा ट्राई पर तैयार हुआ। अब मैं सर्व मैं करूंगी इन ग्लासेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप चाहें तो इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं पसंद करते इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही रूह अफ़ज़ा। माशाल्लाह ये देखिए एक गिलास हमारा रेडी। देख कितना प्यारा लग रहा है। मैं दूसरे गिलास में भी इसी तरह डाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। दूसरा गिलास जो है इसमें मैं इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ जामी शीरी थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करूँगी किनारे पे इस तरह। ये देखिए किनारे पे इस तरह एक बार इसको ऐड कर लें गिलास के अंदर और इस तरह ये देखिए तो इसके अंदर अब मैं ऐड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बैनर भाइयों हमारा बहुत बहुत मज़ेदार रूट ट्राइफल रेडी है। तो बैनर भाइयों आप मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही आसान है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर बनाएं खाएं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो बैनर भाइयों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।